हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसमें हम स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे ही बेस है। तो आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने होंगे। पहला फॉर्मूला देखिए ये है, ये वाला देखिए क्या है इसमें। अगर a है और नीचे भी a है, a का मतलब आप कोई भी नंबर हो सकता है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। a का मतलब 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7 सॉरी, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक कोई सा भी नंबर हो सकता है a। तो अगर सपोज़ करिए a को हम 5 ले रहे हैं, तो अगर 5 की पावर क्या है, सपोज़ करिए 3 है और नीचे भी 5 ही है और उस 5 की पावर क्या है 2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के डिवाइड में होंगी तो वो हम एक साथ लिख देंगे और उनकी जो पावर्स होंगी ना वो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी। ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर, ठीक है, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, ये हो जाएगा। तो देखिए ऐसा हो जाता है, ये देखिए a की पावर m अपॉन a की पावर n है, ठीक है, सॉरी n है यहाँ पर, ठीक है। तो m कोई भी नंबर हो सकता है, m कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3 जो भी है। n भी कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, और a भी कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज़ करिए a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 5, फिर 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, 3, इस 5 की पावर सपोज़ करिए 2 है, तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो करेंगे 5, 3 माइनस 2, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, डिवाइड में जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं और ये दोनों बेस, इसको हम बोलते हैं बेस। बेस सेम है, ऊपर नीचे 5, 5 है, तो जो पावर्स हैं ना वो माइनस हो जाएंगी। सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है, माइनस। सेम बेस है, 5, 5 है, पावर ये हैं, तो पावर क्या हो जाएंगी, 5 को हम एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 1, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड देखते हैं, सेकंड रूल जो है, सेकंड देखिए क्या है, ए कोई सा भी, ए बेस होता है, बेस का मतलब है कोई सा भी नंबर, नंबर कोई भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, ये देखिए ऐसे करके, ए है और ब्रैकेट के अंदर m है और ब्रैकेट के बाहर क्या है, n है। तो अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, सपोज़ करिए a की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 है, m की वैल्यू क्या है, 2, n की वैल्यू क्या है, 3, सपोज़ करिए कुछ भी हो सकती है। तो 7 a की वैल्यू है, m की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, m क्योंकि अंदर था और n था बाहर, तो ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई, 7 की पावर 2 इंटू 3, यानी कि 7 की पावर हो जाएगी 6, ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, देखिए a और m और अंदर बाहर थे, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, ये a की पावर हमें क्या है, a की पावर m, b की पावर m, मतलब दो अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दो नंबर हैं, एक है, देखिए a है, a की पावर भी m है, फिर नंबर b है, b की पावर भी m है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे, a और b ब्रैकेट के अंदर रख देंगे और बाहर क्या हो जाएगी, पावर m हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाता है। अगर a की पावर m है और b की पावर भी m ही है, a और b दो अलग अलग नंबर हैं और पावर इनकी सेम है, तो हम a और b को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और पावर बाहर रख देंगे। एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए a को हम लोग मान लेते हैं कि 7 है, b को हम लोग मान लेते हैं 2 है, और m को सपोज़ मान लेते हैं कि ये 3 है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 इंटू 2 की पावर
3, यानी कि 7 × 14 की पावर 3 ये आंसर हमारा हो जाएगा। फिर हम इसको एक्सपैंड करके देखिए, आगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज, आप इनको फॉर्मूला कह सकते हैं या फिर रूल्स कह सकते हैं, ये रूल्स आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं ये आपको याद करने हैं। तो a की पावर m, a की पावर n है तो पावर माइनस हो जाएंगी, पावर ब्रैकेट के अंदर बाहर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और पावर साथ साथ है, सेम पावर है और बेस अलग अलग है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर बाहर कॉमन आ जाएगी। अब अगर देखिए क्या होता है, अपॉन में है, जैसे ये हमने मल्टीप्लाई वाला केस देख लिया था ना, अब हम लोग प्लस वाला अपॉन वाला केस देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर a अपॉन b है, उन दोनों के दोनों की पावर m है तो कुछ भी नहीं, जैसे इसमें किया था a अपॉन b हम अंदर ब्रैकेट में रख देंगे और पावर बाहर m निकल करके आ जाती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर किस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। 7 की पावर 0 आंसर 1, 1000 की पावर 0 आंसर 1, 0 की पावर 0 आंसर 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो आंसर विल बी 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी आंसर 1, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई सा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो आंसर 1 ही आता है। ठीक हो गया। एक और रूल होता है, ये देखिए, अगर अंदर है ऐसे करके a इंटू b है और इन दोनों की पावर m है तो a की पावर m इंटू b की पावर m हो जाता है। ठीक हो गया, अच्छे से होपफुली आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये हमने इस वीडियो में देखे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, आपको जब अभी आगे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारे के सारे जो लॉज है ना, इनको इम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाना है। तो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, और मैं पूरी की पूरी आप लोगों की बुक कवर करूँगी, मैथ्स की भी और साइंस की भी, और अगर आप लोग बोलेंगे तो संस्कृत भी मैं कवर कर दूंगी। मैथ्स एंड साइंस तो पक्का इसमें कम्प्लीटली आपका एक एक वर्ड आपकी साइंस की बुक का कवर होगा, उसमें मैं सबको सॉल्यूशंस भी दूंगी, उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह सब कवर होगा। फिर समरी, मतलब एक वीडियो आपका पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का बनेगा, फिर समरी का वीडियो अलग बनेगा, और मैथ्स तो मैं आपकी पूरी कवर करूंगी। अच्छा लगता है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। अभी आगे जल्दी ही 2-3 वीडियोस में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। थैंक यू।